हेलो गाइस, मैं किशोरी आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी में। बिग बॉस 14 के इस कंटेस्टेंट ने बोल दिया है दुनिया को अलविदा। चलिए आप लोगों को बताते हैं इनके बारे में। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में RIP रेस्ट इन पीस या तो ओम शांति करके इनकी आत्मा की शांति की कामना जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी दौरान ही आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं, कि हर एक सीजन में अलग अलग कैरेक्टर्स जरूर आते हैं जिनको आप लोग पसंद या नापसंद करते हैं। इसी बीच में बिग बॉस 14 भी जो है काफी ज्यादा यादगार रहा, उसमें आए हुए कंटेस्टेंट काफी ज्यादा यादगार रहे, उनकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा यादगार रही। इसी बीच में अगर आप लोग जानते हैं सोनाली फोगाट को, तो आप लोगों ने बिग बॉस 14 में उनको जरूर देखा होगा। सोनाली फोगाट अपनी पर्सनालिटी के कारण काफी ज्यादा चर्चा में पहले भी रहती थी और बिग बॉस 14 में आने के बाद भी काफी ज्यादा चर्चा में रही। और हम आप लोगों को ये चीज बता दें कि बीजेपी लीडर रह चुकी है सोनाली फोगाट, गोवा गई हुई थी जहां पर उनको अटैक आया जिसके कारण उनका निधन हो चुका है और वो अपने पीछे अपनी बेटी को छोड़ चुकी हैं। उनकी बेटी भी बिग बॉस 14 में जो है नजर आई थी, जब वो उनको मिलने आई थी, वो काफी ज्यादा प्यारी है, भगवान उनकी बेटी को ये दुख झेलने की शक्ति दे। तो गाइज आज हमारे बीच में बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट नहीं रही है, तो आप भी उनकी आत्मा की शांति की कामना जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।